कंगना रनौत सोशल मीडिया पर लगातार तीखे बयान दे रही है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में उन्होंने बॉलीवुड के खिलाफ कई बातें कही। एक बार फिर से बातचीत के दौरान सुशांत सिंह राजपूत के साथ सारा अली खान के रिलेशनशिप को लेकर कंगना रनौत ने तोड़ी चुप्पी। कंगना ने अपने इंटरव्यू में कहा कि जो भी मूवी माफिया है जिन्होंने सुशांत को सताया है उन्हें बैन किया जाए। मैंने उन लोगों के बारे में खुलकर बात की है जो प्रोडक्शन हाउस में है जिन्होंने सुशांत को टारगेट किया, उसे बैन किया, उनके जो चहेते और पालतू मीडिया है जिन्होंने उनके करेक्टर पर हमला किया, सुशांत को काफी गलत भी कहा, उसके उसे एकदम से कॉर्नर कर दिया। कंगना ने ये भी कहा कि सुशांत को इस तरीके से टारगेट किया कि सुशांत ने लिया फैसला अपनी जिंदगी को खत्म करने का। कंगना ने अपनी बात रखते हुए कहा कि जब सुशांत सारा अली खान को डेट कर रहे थे तो वो लोग ये चाहते थे कि इनका ब्रेकअप हो जाए। कंगना रनौत ने करीना कपूर का नाम लेते हुए कहा कि करीना ने भी कहा था कि अपने पहले हीरो सुशांत को डेट मत करो प्लीज। कंगना ने इस बातचीत में कई मुद्दों पर बात की जिसमें बॉलीवुड में ड्रग्स के इस्तेमाल से लेकर नेपोटिज्म और शिवसेना के संजय राउत और बीएमसी की कार्रवाई जैसी तमाम बातें भी शामिल है। सुशांत सिंह राजपूत मामले पर कंगना ने कहा कि हम सबने देखा है कि सुशांत के पिता ने पुलिस की खामियों की शिकायत की, मैंने ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया और मैं डरी हुई थी इसलिए मैंने केंद्र से सिक्योरिटी की मांग की, मैंने मराठियों के बारे में कुछ नहीं कहा। पॉलिटिकल पार्टियों ने इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों के साथ हाथ मिला लिया है, अगर मुझे सुरक्षा ना मिलती तो साधु की तरह मुझे भी इस तरीके से मार दिया जाता। तो ये है कंगना रनौत जिसने एक बार फिर से करीना कपूर की पोल पट्टी खोल दी है, जहां पर सुशांत सिंह मामले पर अब करीना कपूर भी आ चुकी है सामने। नेक्स्ट नाइन लाइव से रजनी की रिपोर्ट।